SBI फाउंडेशन के अध्यक्ष ने किया SBI संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स का जायजा, स्वास्थ्य शिविर का किया गया उद्घाटन। बोधगया, नव भारत जागृति केंद्र बोधगया द्वारा संचालित SBI संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स कार्यक्रम का जायजा लेने हेतु SBI फाउंडेशन के अध्यक्ष ललित मोहन आज दिन सोमवार को बोधगया के सिलोंजा गांव स्थित परियोजना कार्यालय पहुंचे। सर्वप्रथम सिलोंजा गांव स्थित परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया। तत्पश्चात परियोजना कार्य क्षेत्र के गाँव बतसपुर हेतु रवाना हुए। NBG के द्वारा संचालित अनाथ थाले लॉर्ड बुद्धा होम फॉर चिल्ड्रेन सिलोंजा के बालिकाओं ने उनका स्वागत किया। मौके पर SBI फाउंडेशन के अध्यक्ष ललित मोहन ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत SBI फाउंडेशन की स्थापना हुई है और इसके जनहितकारी कार्यक्रमों को बैंक के आर्थिक सहयोग से ही चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि SBI फाउंडेशन समर्थित कार्यक्रमों से लगभग 2 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है और उनका जीवन पहले से बेहतर हुआ है। ललित मोहन ने SBI संजीवनी क्लिनिक ऑन व्हील्स कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उम्मीद जताई कि यह संजीवनी बूटी एक बीमार लोगों को लिए एक वरदान साबित होगा। मौके पर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भी किया गया। मौके पर उपस्थित NBG के अध्यक्ष श्री गिरजा सतीश ने नव भारत जागृति केंद्र द्वारा विगत 50 वर्षों में किए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यों का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि संस्था मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका संवर्धन, छोटी संस्थाओं की मदद और जनहित के मुद्दों पर एडवोकेसी जैसे कार्यों के साथ झारखंड बिहार में सक्रिय है। कोमल पूजन पब्लिक स्कूल के प्रचार श्री संतोष कुमार द्वारा समस्त आगत अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। मंच संचालन LBHC के सहायक प्रबंधक मोहम्मद नईम ने किया। समारोह में संजीवनी कार्यक्रम के प्रबंध पवन लाल गुप्ता के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। आज देश के नक्शा में हमारा जो नव भारत जागृति केंद्र है ये अपना झंडा लहरा रहा है और इस योजना के तहत हमारे सैकड़ों लाखों लोगों को रोजगार भी सृजन कर रहे हैं और हमारे जनता के बीच में जाकर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जो सरकार का काम होता है वो कंधा से कंधा मिलाकर हमारा न्यू जागृति केंद्र और SBI फाउंडेशन के तहत ये काम सफल हो रहा है। नमस्कार गांव के सभी ग्रामवासियों को। आज का जो कार्यक्रम है भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन के सहयोग से मोबाइल मेडिकल यूनिट जो कि इस क्षेत्र के 20 गांवों को कवर कर रही है उसका उद्घाटन तो पहले हो चुका था। आज एक छोटा सा कार्यक्रम कि कैसा कार्यक्रम चल रहा है उसको रिव्यू करने आए हैं हम लोग। तो हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं NBG के श्री गिरजा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, पंचायत के प्रमुख श्री मनोरंजन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो थोड़ा सा इसका बारे में जान के खुशी हुई कि ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चल रहा है और अभी तक लगभग 180 मोबाइल OPD अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें कि 3,200 से ज़्यादा मरीजों को देखा जा चुका है, उनको दवा का वितरण किया जा चुका है। और जैसा कि यहाँ के मुखिया जी ने बताया भी कि दिन भर खेतों में काम करने में और PSC के काफ़ी दूर स्थित होने पर लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, अपने स्वास्थ्य को नेगलेक्ट करते हैं। अपना अगर कोई छोटी सी बीमारी भी है तो कहेंगे नहीं आज का काम पड़ा हुआ, पहले काम करना है फिर हम PSC जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने कहा कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ की PSC या डॉक्टर नहीं है, PSC है या यहाँ पर दवाओं का अभाव है, ऐसे क्षेत्र में ऐसी मोबाइल मेडिकल यूनिट को लाया जाए ताकि लोग अपना घर का काम करते हुए खेतों में काम करते हुए और जब उनको समय मिले हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट में आकर के डॉक्टर हमारी टीम है उनसे परामर्श करके अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकें और कोई अगर उनको बीमारी है तो दवा ले सकें। यही हमारा प्रयास है और ये प्रयास सफल हो रहा है। हमारे इसको धन्यवाद देंगे हमारे जो क्षेत्र में इसके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं नव भारत की जागृति केंद्र, अच्छा काम कर रहे हैं गांव के सहयोग से और गांव की जनता से इसमें सहयोग अपेक्षित है। यहां के जो लीडर हैं, जो मुखिया हैं, उन सब से भी हमें सहयोग की आकांक्षा है
ताकि कार्यक्रम को सफल बनाएं और ताकि फिर हम हमारा विजन यही है कि इस कार्यक्रम को ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ की PSC काफ़ी दूर है पूरे भारतवर्ष में लॉन्च किया जा सके। अभी तक हमारी इस तरह की 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट पूरे 16 राज्यों में अभी तक संचालित हैं और आगे भी हम लोग इसको अन्य राज्यों में और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास।